नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कट ऑफ के ऊपर रहने वाला है। अब देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की कट ऑफ को देखने के बाद जिन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT और PGT के अंदर दोस्तों नहीं हुआ है, उनके अंदर एक तरीके से निगेटिविटी दोस्तों आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा हताश है। अब देखिए, कट ऑफ क्यों इतनी हाई गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अब देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भाई कोई भी चैनल वाला क्यों ना हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, किसी ने भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था दोस्तों कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अब देखो, उसी कट ऑफ को देखते हुए हमारा जो आज का युवा है वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से उसके अंदर निगेटिविटी हावी हो गई है, क्योंकि आखिर इंसान पढ़े तो कब तक पढ़े और किस आधार पर पढ़े और किस मोटिवेशन को दोस्तों लेके पढ़े, इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आपको देखो दोस्तों, भाई 144 145 दोस्तों कट ऑफ गई हुई है, 142 143 149 भी दोस्तों कट ऑफ गई हुई है। अब देखो, कहने की एक अगर मैं बात बोलूं दोस्तों, तो कट ऑफ जो होती है वो सबसे लोअर वाले बच्चे की होती है, हाईएस्ट वाले बच्चे की कट ऑफ दोस्तों नहीं होती है। मतलब अगर कट ऑफ 142 गई है तो उसमें दोस्तों उस कैटेगरी का बच्चा सबसे नीचे, सबसे लोअर वाला बच्चा 142 नंबर दोस्तों लेकर आया है। तो आप कभी भी तुलना नहीं कर सकते या ये नहीं बता सकते कि जो टॉपर बच्चा होगा दोस्तों उसके कितने नंबर होंगे। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इन सब की वन बाई वन करके दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा दोस्तों कि आज के ज़माने में नौकरी लगाना एक बहुत तरीके से चैलेंज भरा काम हो गया है। अब देखो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, तब तक मेहनत करो जब तक आपको एक गवर्नमेंट जॉब दोस्तों ना मिल जाए। और अगर आगे आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, रुकना नहीं है। जो हुआ ठीक है दोस्तों, अब देखो जो हुआ होने दो, उसके बारे में चिंता मत करो, अपने आप को टूटने से बचाओ और अगली मेहनत के लिए दोस्तों तैयार हो। बाकी देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर दोस्तों जो भी आरोप लगे हुए हैं उसके लिए जांच चली रही है। अब जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी रिपोर्ट दोस्तों अभी आनी बाकी है। हालांकि 2018 के अंदर दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर बिल्कुल फेयरनेस था, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्तों परेशानी नहीं थी। लेकिन इस वाला जो केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 2023 वाला हुआ है उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठे हैं, अनेक सारी फोटो वायरल हुई हैं जिसमें दोस्तों नकल करते हुए एक तरीके से स्कीन दिखाई गई है। अब एक बच्चा है जो आप भी जानते हैं भाई, उसका नकल करते हुए वायरल हुआ था, मतलब स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, और उसका लिस्ट में भी दोस्तों नाम था। अब देखो क्या ऐसा गोलमाल हुआ है जिसके कारण दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ गई है भाई। अब देखो, इसके बारे में पूर्णतः हम एकदम सटीक नहीं कह सकते या खुले रूप में दोस्तों इस माध्यम पे बिल्कुल नहीं कह सकते। अब देखो, आज के तौर में मैं एक तरीके से आपको हताश नहीं करना चाहता हूँ, आप अपने आप को संभालिए और अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए। बेरोजगार युवा, हताश युवा, बेरोजगार युवा, हताश युवा, परेशान युवा, आखिर कब तक और कैसे पढ़े, बढ़ती कट ऑफ को देखकर परेशान युवा। भाई किसी भी, हम किसी की भी कट ऑफ देख लेते हैं, आज कट ऑफ आसमान छू रही है, 80 80% दोस्तों कट ऑफ जा रही है। और कहने का मतलब ये है, 80% अगर कट ऑफ जाती है तो वो टॉपर वाले बच्चे की नहीं है, वो सबसे नीचे वाले बच्चे की कट ऑफ है। देखो ये एक चिंता का विषय है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे बच्चे तो एक तरीके से पढ़ाई से दरकिनार करने लगेंगे, तो ये दोस्तों बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी है उनके अंदर एक तरीके से फेयरनेस दोस्तों होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं भाई, कट ऑफ कितनी कितनी दोस्तों गई हुई है, और आप क्या, मैं क्या, पूरे YouTube पर किसी भी यूट्यूबर ने दोस्तों इतनी कट ऑफ नहीं बताई थी। आप खुद दोस्तों इतनी कट ऑफ की कभी भी उम्मीद नहीं करते थे दोस्तों इतनी कट ऑफ जाएगी। हालांकि हम कुछ कट ऑफ मान लेते हैं जिनके अंदर दोस्तों वैकेंसी कम थी, उनके अंदर कट ऑफ चलो ज़्यादा चली जाएगी, वो भी PGT के अंदर, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी होने के बावजूद भी कट ऑफ का इतना जाना कहीं ना कहीं एक तरीके से शक हमारे मन में पैदा करता है कि क्या हमारी वैकेंसी फेयर हुई है या फिर कुछ ना कुछ दोस्तों खबला हुआ है। एक बार कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों, देखो कट ऑफ कितनी गई हुई है। अगर मैं बात करता हूँ PGT CS, CS बोले तो कंप्यूटर साइंस की, अब देखो CS की जो कट ऑफ गई है दोस्तों 149 गई हुई है 150 180 में से, 149 कट ऑफ है दोस्तों। देखो 149 कट ऑफ मजाक नहीं है, 149 कट ऑफ मजाक नहीं है दोस्तों। अब
क्या 180? देखो 149 का मतलब है नीचे वाला बच्चा, सबसे नीचे वाला बच्चा, जो सबसे नीचे वाले बच्चा होगा उसके 149 आए होंगे। दोस्तों 139, 132, 121, 136 भी गई हुई है। टीजीटी मैथ, चलो मैथ की देख लेते हैं। टीजीटी में वैकेंसी ठीक ठाक थी, पीजीटी के अंदर दोस्तों वैकेंसी कम थी, तो इसलिए उसकी कट ऑफ हाई एक बार को रहने के चांस रहते हैं, लेकिन इतनी हाई कैसे गई? अब देखो टीजीटी मैथ की 141, दोस्तों 141, 141, 141 कितने में से भाई? 180 में से। अगर मैं 141 की बात करता हूँ तो कितने परसेंट बैठेगा ये? देखो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 8 144, 18 8 होता है 144, 144 होता है 80% के समथिंग में दोस्तों कट ऑफ है। 80% के समथिंग में मतलब 79% के समथिंग में आपकी कट ऑफ है। अब देखो ये 79 जो परसेंट है ना, ये सबसे नीचे वाले बच्चे के हैं, ये मत समझना ये टॉपर के हैं। अब अगर सबसे नीचे वाला बच्चा इतने नंबर लेकर आता है तो टॉपर कितने नंबर लेकर आएगा? अब अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद एक टीचर हूँ और मैथ का टीचर हूँ, और मुझे अच्छी समझ है, मुझे बिल्कुल 100% वाली समझ है कि बच्चा इस पेपर के अंदर कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। देखो भाई मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। मैथ का जो पेपर था दोस्तों वो 180 का था, जिसमें पार्ट डिवाइड थे, पार्ट ए था, और पार्ट ए के अंदर दोस्तों क्या था भाई? देखो 40 नंबर की दोस्तों पैडागोजी थी, और दोस्तों क्या था भाई? पैडागोजी के बाद में 10 नंबर की इंग्लिश थी दोस्तों, हिंदी थी, और दोस्तों कंप्यूटर था, 5 नंबर की रीजनिंग थी, और दोस्तों 5 नंबर का कंप्यूटर था। 40, 50, 60 और 270, देखो 70 हो गया। उसके बाद में 10 नंबर की दोस्तों क्या थी? जीके थी भाई, जीके थी, ये चीज़ें थी, 10 नंबर की जीके थी। अब देखो 10 नंबर की जीके होने के बाद में दोस्तों 100 नंबर का था सब्जेक्ट, चाहे टीजीटी पे किसी भी सब्जेक्ट पे ले लो आप मैथ ले लो, साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, कुछ भी लो, ये था दोस्तों आपके पैटर्न एग्जाम का। अब आप देखो यहाँ 80 का है दोस्तों, ये 80 का है, और दोस्तों ये कितना अभी? ये 100 है। अब देखिए क्या इसमें से बच्चा ओनली अपने 40 नंबर कटवाएगा? क्या इसमें से दोस्तों अपना 40 नंबर कटवाएगा? वो भी 40 नंबर वो बच्चा कटवाएगा जो सबसे नीचे नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। सोचिए, अब जो बच्चा ऊपर है भाई, उसका तो 160 भी हो सकता है, उसका 170 भी हो सकता है, उसका 175 भी हो सकता है, या फिर उसका ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इनसे कम भी हो सकता है, लेकिन 141 से ऊपर तो डेफिनेटली होनी होना है। अब अगर मैं बात करूँ, चाहे वो कितने भी धुरंधर है, कितना भी धुरंधर है दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए 75 से 80 लाना बहुत बड़ी बात थी, 75 से 80 लाना बहुत बड़ी बात थी, अगर उसने बहुत अच्छा वाला अनुभव ले रखा है तब जाकर इतने नंबर दोस्तों लेके आएगा, 75 से 80। हाँ कुछ बच्चों की तैयारी एक्सट्रीम लेवल की होती है, हमने मान लिया भाई उनके 100 में से 100 हैं दोस्तों, 100 में से 100 हैं, 100 में से 100 हैं, या फिर 90 हैं, चलो हमने मान लिया 90 हैं या 100 में से 100 हैं, ठीक है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या जो सब्जेक्ट का धुरंधर होगा, जो सब्जेक्ट का धुरंधर होगा, क्या वो साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों अच्छा कर पाएगा? क्या वो साइकोलॉजी में 40 में 40 ले आएगा? भाई साइकोलॉजी में अगर हमने मान लिया भाई 30 ले आया, ठीक है भाई, यहाँ भी वो कम से कम, देखो यहाँ भी वो कम से कम 5 5 नंबर दोस्तों कटवा देगा। जीके 10 10 में 10 नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, चलो एक बार को इंग्लिश में कर देगा, हिंदी में कर देगा, कंप्यूटर में भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखो 20 नंबर अगर हम देखते हैं 40 40 में से, इसमें से 15 नंबर दोस्तों यहाँ कट जाएंगे उसके। मैं ये एक टॉपर बच्चे की बात करता हूँ, और 10 नंबर दोस्तों यहाँ कटे, तो 25 नंबर तो दोस्तों ये कट गए भाई, 25 नंबर ये कट गए, और 20 नंबर ये कटे, 25 नंबर ये कटे और 20 नंबर ये कटे, तो कुल मिलाकर 40 नंबर तो दोस्तों एक अच्छा वाला बच्चा, जो एकदम टॉपर वाला बच्चा होता वो अपने कटवा देगा। लेकिन यहाँ पर 40 नंबर जो कटवाए हैं, 40 से भी कम कटवाए हैं, ओनली 39 नंबर कटवाए हैं सबसे नीचे वाले बच्चे ने, सबसे नीचे वाले बच्चे ने 39 नंबर कटवाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शक पैदा होता है कि यार आखिर कट ऑफ गई तो गई कैसे, इतनी कट ऑफ दोस्तों गई तो गई कैसे? ऑल इंडिया वैकेंसी है भाई, एकदम ये भी नहीं कह सकते कि भर्ती में गोलमाल हुआ है या क्या हुआ, क्यों नहीं कह सकते, आप भी जानते हैं इस बात को। ऑल इंडिया वैकेंसी है, हर स्टेट का जो स्टूडेंट होता है, हर स्टेट का एस्पिरेंट यहाँ पार्टिसिपेट करता है, और हमेशा क्रीम बच्चा आगे आता है निकल के। लेकिन दोस्तों इतनी कट ऑफ का जाना कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक शक पैदा करता है कि यार इतनी कट ऑफ दो आखिर गई तो गई कैसे। अब देखो और कट ऑफ देख लीजिए भाई, टीजीटी संस्कृत की देख लीजिए, 142 कट ऑफ गई हुई है, टीजीटी इंग्लिश की 129 गई हुई है। अब देखो एक साथी का कहना था उनके 131 नंबर थे, सोमपाल जी थे, उनका नंबर नहीं आया लिस्ट में, ऐसे काफ़ी सारे साथी हैं जिनका नंबर दोस्तों नहीं आया है। और मैंने भी पीजीटी का एग्जाम दिया था, मेरा भी कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही कम था दोस्तों,
चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो आता ही नहीं, लेकिन कट ऑफ से एक दो नंबर कम था। मेरे दोस्त ने दिया था, उनका भी बराबर के समथिंग में था, उनका भी नाम नहीं है। अब ये मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ दोस्तों और क्यों नहीं हुआ। देखो इतनी हाई कट ऑफ गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई हमारे मन के अंदर एक शक पैदा होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जांच भी बैठाई है, आप जानते हैं भाई जांच चल रही है वैकेंसी के अंदर। इतनी हाई कट ऑफ का जाना कहीं ना कहीं हमारे हमारे मन को तोड़ता है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को और हिम्मत को तोड़ता है। भाई एक तरीके से इंसान मेहनत और हिम्मत किस आधार पर करे, किस बेस पर करे? अगर करप्शन फ्री वैकेंसी होंगी तो 100% एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ को देखकर इंसान की जो हिम्मत है ना वो टूट जाती है और पढ़ने का जो मन है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। बस दोस्तों आज का जो वीडियो था वो इसी उद्देश्य को लेकर बनाया मैंने कि आपको हताश नहीं होना है, जांच चल रही है, अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन दोषी नहीं है, अगर यहाँ भी जो भी दोषी निकलेगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम था वो गली गली में था दोस्तों, छोटे छोटे स्कूलों में था। अब छोटे मोटे स्कूलों ने क्या क्या कुछ करा होगा दोस्तों, उनकी जो पारदर्शिता है या जो एजेंसी है उसने अपना पेपर किस तरीके से कंडक्ट करवाया दोस्तों, उसी के माध्यम से पता चलेगा। देखो जांच तो चल रही है, आपको पता है और मुझे पता है जांच में क्या रिपोर्ट आती है क्या रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी गलियों में केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर जाना इसकी हाई कट ऑफ के लिए दोस्तों एकमात्र कारण है, और दूसरा कंपटीशन है ही, बच्चों के अंदर बढ़ता कंपटीशन दूसरा कारण है। लेकिन कंपटीशन इस कदर बढ़ जाएगा, इस कदर बढ़ जाएगा कि सबसे नीचे वाला बच्चा भी 80% नंबर लाने के बाद में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता का कारण है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट था यहाँ पर दोस्तों, अनेक सब्जेक्ट थे, अब समय भी कम था, इतने कम समय के अंदर भाई पहली बात तो सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, इतने कम समय के अंदर 80% 82% नंबर लेके आना एक तरीके से मजाक नहीं थी। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आप को तोड़िए मत ना। अगर आपका नहीं हुआ है, आगे आने वाली जो भी आपके सामने वैकेंसी है तैयारी कीजिए दोस्तों। मेरा भी कई बार नहीं हुआ था, मैं भी हताश हुआ था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और एक के बाद एक बाद में एग्जामों को क्रैक करता गया। हर रात के बाद दिन आता है और हर दिन के बाद दोस्तों रात आती है, तो ये तो जीवन में चलता रहता है, कभी खुशी और कभी गम, लेकिन हमें कभी भी रुकना नहीं है और अपने आप को तोड़ना नहीं है। एक बात याद रखना, जो इंसान जितने दुखों से गुजरता है, जो इंसान जितनी समस्याओं से गुजरता है, वो इंसान उतना मजबूत होता है। आपको ये नौकरी नहीं जीनी है, आप ये मत समझना कि यार मैं नौकरी के लिए जी रहा हूँ, मेरे भाई आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। लाइफ के अंदर वो खिलाड़ी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता है जो जितने ज़्यादा दुखों से गुजरा हुआ होता है और जो जितनी ज़्यादा असफलताओं से गुजरा होता है, क्योंकि उसे एक सफल इंसान से ज़्यादा हर मोड़ पर दोस्तों अनुभव ज़्यादा होता है। तो इंजॉय कीजिए, अगर आपका नहीं हुआ है दोस्तों तो तैयारी करते रहिए, बी पॉजिटिव। जो भी वैकेंसी आपके सामने है, जैसे डी टी प्लस बी की वैकेंसी भविष्य में आने वाली है या फिर आपकी कोई स्टेट की वैकेंसी है दोस्तों, उसकी तैयारी कीजिए और कभी भी अपना मन थोड़ा मत कीजिए। और देखो आपने बोला था भाई, आपने जितनी भी कट ऑफ बताई है उनमें एक भी ठीक नहीं गई, मैं क्या यूट्यूब के अंदर कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसकी कट ऑफ ठीक जाती, और अगर इतनी कट ऑफ मैं बता देता तो आप मुझे खुद कहते यार तुम पागल हो गए हो, ये है वो है। हालांकि मुझे थोड़ा शक था कि कुछ वैकेंसियों की कट ऑफ हाई जाएगी जिनमें वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर तो टॉपर बच्चे लिए जाने, लेकिन जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक थी उनकी कट ऑफ जाना हाई एक तरीके से चिंता का दोस्तों विषय बना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।